अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये व्लॉग शुरू करने से पहले अगर किसी ने शुरू के दो पार्ट नहीं देखे तो वो जाकर पहले दो पार्ट देख ले, उसके बाद ये वीडियो शुरू करे तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज वो ये व्लॉग देख भी रहे हैं तो भी उनको मज़ा आएगा, लेकिन ये थर्ड पार्ट है क्वेटा ज़ियारत के व्लॉग का, तो ये व्लॉग हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग शांस व्लॉग। फाइनली वी आर मूविंग फॉर, कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग? ज़ियारत, क्योंकि क्वेटा का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। क्वेटा अलग जगह है, ज़ियारत अलग जगह है। वही क्वेटा भी है ना, वो बेसिकली क्वेटा से मूव कर रहे हैं। तो ये भाई आप इंट्रोडक्शन दें। सही बता रहे हैं, ज़ियारत जा रहे हैं। मुझे, मैं तो पहली दफा जा रहा हूँ, मुझे पता लगा वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो मैं अपना इंतजाम पूरा करके जा रहा हूँ। और अगर बर्फ ना गिरी, फिर बर्फ ना हुई तो क्या होगा? टोपी डाल दूंगा और क्या होगा यार, लेवल यार। तो ज़ियारत का सफ़र हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और क्वेटा से निकलने के बाद बहुत खूबसूरत मनाज़िर शुरू हो जाते हैं। Abrázame me toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. हेलो गाइस, हम लोग जो हैं अभी भी ज़ियारत के रास्ते में ही हैं और सर्दी बहुत है तो चाय पीने का दिल कर रहा है और चाय के लिए हम वेट कर रहे हैं। चाय तो फिर लव है ना। ज़ियारत के करीब हैं अभी और इस वक्त हम मौजूद हैं एक डैम के पास, जो कि ज़ियारत के पास ये डैम बना हुआ है, ये देखिए। और ये वो पुल है, ये पीछे पहाड़ है बलूचिस्तान के, और ये जो है डैम है। वैसे क्वेटा से ज़ियारत तक का सफ़र सिर्फ दो घंटे का है, लेकिन बीच में हमने स्टे किया जस्ट फॉर टी और फोटोग्राफी, और फिर हमारी मंजिल हमारे सामने। फाइनली हम लोग ज़ियारत से इंटर हो चुके हैं। ये ज़ियारत का गेट है जहाँ से हम इंटर हुए हैं, और इसके बाद जो है ये ज़ियारत का शहर शुरू हो जाता है। ये पीछे एक पहाड़ी का कट है, इसके बाद पूरा का पूरा हमारा शहर जो है ज़ियारत का शुरू हो जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह है यार। ज़ियारत गेट जो है वो एक बाबे खैबर की तरह बना हुआ है, और उस गेट से एंट्रेंस के बाद ही जो है ज़ियारत सिटी शुरू हो जाता है और खूबसूरत मनाजिर आगे चलकर आते हैं। लेकिन जब इतना लंबा सफर किया हो तो फिर चाय बिस्किट तो बनते हैं। अब मूव होना है कायदे आज़म रेजिडेंसी की तरफ। आज़म रेजिडेंसी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे कैमरा लेकर जाना मना है। और हम वापस। हम लोग जो हैं इस वक्त ज़ियारत कायदे आज़म रेजिडेंसी में मौजूद हैं, पीछे आप देख सकते हैं। और यार बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। हम जा रहे हैं रेजिडेंसी का जैसे रेजिडेंसी के अंदर, और अब देखते हैं ये अंदर से कैसी बनी हुई है। बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, और ये बाहर इसका एरिया जितना भी है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत है। जूते जो हैं बाहर उतारने पड़ते हैं भाई। ये इसका गेट है और ये वो जगह है जहाँ पर अब हम अंदर जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। देखते हैं ये
ये अंदर से इसका पता नहीं शायद डाइनिंग एरिया है, इंस्ट्रक्शंस कहीं भी नहीं लिखी हुई, कोई गार्डन हमारे साथ नहीं है। खाने का कमरा और ये लिखा हुआ है मेहमानों का कमरा। मोहतरमा का जाती कमरा, मोस्टली कमरे यहाँ पे बंद है। ये इसके बाहर की टेरिस की जगह है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और ये हमारे भाई जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं। कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, वीडियो अंदर अलाउ नहीं है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बन रही है यहाँ पे। ये जो है पीछे कायद आजम का रूम है। ये हम लोग कायद आजम रेजिडेंसी से निकल चुके हैं इस वक्त और अब हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट की तरफ। जीरो पॉइंट क्या है मुझे भी नहीं पता, तो चलकर देख लेते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखो ये नई जगह है और ये आप लोग को दिखाना जरूरी थी। वो देख रहे हो भाई जीरो पॉइंट हो रहा, वहां से खड़े होंगे ना यार, उधर ही चलते जीरो पॉइंट की तरफ ही, उधर से भी तो ये व्यू आएगा। तो मौजूद है जीरो पॉइंट पे और जीरो पॉइंट ज़ियारत बलूचिस्तान, और यहाँ के लिए मशहूर है कि ये दरख्त देख रहे हैं पीछे, ये दरख्त कुदरती जो है ना, इसका शेप देखें किस तरह से बना हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सांस नहीं आ रहा है यहाँ पे, बहुत ऊपर है। और जाना हमने वो कोने पे, वो है ज़ीरो पॉइंट। वैसे ये भी ज़ीरो पॉइंट के रास्ते है। हाइट ज़्यादा थी, हाइकिंग भी की हुई थी, ऑक्सीजन भी थोड़ा सा कम था, इसीलिए जो है सांस चढ़ रहा था बार बार, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत। पिक्चर्स विक्चर्स हो गई सारी, इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारी पिक्चर्स जमा हो गई हैं, भाई सस्ता भाई डालेगा। और आज के लिए बस इतना ही, और वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो गई हैं, अब देखो किस तरह से मैं अपलोड करता हूँ। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारा दिन ख़त्म होता है, हम वापस क्वेटा जाएँगे। क्वेटा में वैसे कोई काम तो नहीं है, वापस हम जैकबाबाद के लिए ही निकलेंगे और देखें आगे क्या सीन्स होते हैं। वैसे फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं और आज दिन हमने वापस पहुंचना है। था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस और मैं माजरत करता हूं कि मैंने इतनी देर बाद ये थर्ड पार्ट जो है इसका अपलोड किया, लेकिन वायरल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में लिख कर बताएँ। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़। यार ये वो दरख्त हैं जिनका मैंने आपको बताया था, और क्रिसमस ट्रीज जिनको बोलते हैं, ये इस तरह के लेवल के ना सिर्फ रशिया में और उसके बाद फिर यहाँ पर है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, पता नहीं रियलिटी है या नहीं। बहर इसको जो है बहुत शौक है यहाँ पे तस्वीर खिंचवाने का।